दबदबा रहेगा। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की। अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। बच्चों का नेशनल किया जाएगा, साल नहीं नुकसान होने दिया जाएगा। ओलंपिक किया रहा, बच्चों की तैयारी की जाएगी, कैंप लगाया जाएगा, नेशनल कराएगा। नेशनल जिनको जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। राजनीति वाल राजनीति का जवाब राजनीति के अखाड़े में दिया जाएगा। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है, हैं? जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को, और फिर जो मतदाता हैं उनको तो है ही। और मैं सरकार को भी धन्यवाद करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये चुनाव हुआ है, इसकी PIL सरकार ने डाली थी। एक तरीके से सरकार के आदेश पर यह चुनाव हुआ है, क्योंकि हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया था और उसके खिलाफ खेल मंत्रालय गया, भारत की सरकार गई। और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, खेल मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं कि चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ और चुने गए लोग। बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसी का, उसके बेटे से भी प्रिय है, उसका राइट हैंड यू मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा। लेकिन ना पहले महिला प्रेसिडेंट, ना महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो ये लड़ाई है, ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी ही रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियाँ हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है वो, अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा।